नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। फर्जी दस्तावेजों से सरकारी जमीन हथियाने का खेल, कोर्ट से पहले इंटरनेट मीडिया पर आ रही है चार्जशीट। गंगा घाट क्षेत्र के कटरी, पीपर खेड़ा और उसके आसपास के गांव की सरकारी जमीनें फर्जी दस्तावेज के जरिए हथियाने का खेल चरम पर है। खेल ऐसा कि एक भूमाफिया दूसरे को टिकने नहीं देने की आजमाइश कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासन से सेटिंग कर भूमाफिया एक दूसरे को जेल भिजवाने का खेल भी खेलते हैं। आज माह पहले सर्वे लेखपाल द्वारा जिन 8 लोगों पर धोखाधड़ी और कुटरचित अभिलेखों से सरकारी व निजी लोगों की जमीन हथियाने का मुकदमा दर्ज करवाया गया था, उनमें से कुछ ऐसी हैं जिन पर इससे पूर्व में भी एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है। चौंकाने वाला तथ्य ये है कि विवेचक द्वारा लगाई गई चार्जशीट कोर्ट पहुंचने से पहले इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गई, जिससे पुलिस पर ही कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सर्वे लेखपाल चकबंदी गणेश शंकर ने 22 नवंबर 2022 को गंगा घाट थाने में नौशाद लारी, साहब लारी निवासी जेके कॉलोनी जाऊमई कानपुर, शादाब लारी निवासी इफ्तिखार बाद निहाल क्लिनिक के पास अनवरगंज कानपुर, धर्मराज निषाद निवासी जुरान खान खेड़ा गंगा घाट, विमल कुमार निषाद निवासी सफीपुर, प्रथम हजेंद्र नगर कानपुर, फैजान आलम निवासी लाटूस रोड अनवरगंज, अंशुल ठाकुर निवासी जेके कॉलोनी जांच मऊ कानपुर और शेखर कुमार उर्फ गोलू निषाद निवासी जुराखन खेड़ा गंगा घाट के खिलाफ कटरी पीपर खेड़ा की कुटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी सरकारी जमीन हथियाने का मुकदमा दर्ज करवाया था। जांच मऊ चौकी प्रभारी अजय कुमार शर्मा को मुकदमे की विवेचना मिली थी। विवेचना महीनों चली। इस दौरान तमाम आरोपियों की पुलिस के चर्चित अधिकारी के साथ तमाम मीटिंग होने की खूब चर्चा रही। 4-5 रोज पहले अचानक इंटरनेट मीडिया पर मुकदमे के विवेचक द्वारा लगाई गई चार्जशीट प्रसारित होने लगी। चार्जशीट में आरोपियों पर जो धाराएं लगाई गई, वह साक्ष्य के बजाय गवाहों के बयानों पर तय की गई। हालांकि सवाल ये है कि बड़े से बड़े और छोटे से छोटे मामले में दाखिल की जाने वाली चार्जशीट की भनक किसी को नहीं लग पाती, पर भूमाफिया से जुड़े इस मामले की चार्जशीट इंटरनेट मीडिया पर कैसे प्रसारित हो गई, इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि इस पर अभी कोई बोलने को तैयार नहीं है। भूमाफियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट वायरल आरोपियों पर लगाई गई धाराओं के सापेक्ष साक्ष्य के बजाय गवाहों के बयान को ही बनाया गया आधार। न्यायालय में दाखिल होने से पहले पुलिस का गोपनीय दस्तावेज प्रसारित हो जाने पर एसपी भी गंभीर, आरोपियों को राहत देगी प्रसारित चार्जशीट। चार्जशीट पुलिस का बेहद गोपनीय दस्तावेज होती है। यदि इसे प्रसारित किया गया तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि आरोपियों को राहत पहुंचाने के लिए यह किया गया। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।